नमस्कार बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। बिहार शिक्षा विभाग के तरफ से बिहार के अल्पसंख्यक छात्रों के लिए एक अच्छी खबर आई है। जी हां, वर्ष 2021 में जितने भी अल्पसंख्यक छात्रों ने मैट्रिक के परीक्षा में सफलता प्राप्त की है उन सबको बिहार सरकार की तरफ से, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि दिए जाएंगे। जी हां, उनके लिए 50,11,00,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की गई है। पूरी खबर क्या है ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। शिक्षा विभाग ने मैट्रिक परीक्षा वर्ष 2021 में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक वर्ग के 50,114 विद्यार्थियों के लिए 50,11,00,000 रुपए जारी किए हैं। इस वर्ग के सभी विद्यार्थियों को 10,000 रुपए के मान से यह प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी जानकारी के मुताबिक अल्पसंख्यक वर्ग में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और भाषाई अल्पसंख्यक बांग्ला के छात्र छात्राओं को यह राशि दी जाएगी। यह राशि सीधे लाभुक अभ्यर्थियों के खाते में ही जाएगी। बता दें कि इस बार बिहार बोर्ड ने फरवरी में मैट्रिक परीक्षा का आयोजन किया था, जिसके बाद बोर्ड ने अप्रैल के पहले हफ्ते में इसका रिजल्ट जारी कर दिया। बिहार बोर्ड में इस साल लगभग 17,00,000 छात्र शामिल हुए थे, जिनमें 78% छात्र पास हो गए थे। वही कोरोना को देखते हुए बिहार बोर्ड ने कंपार्टमेंटल का एग्जाम नहीं लिया था, जिसके बाद इंटर और मैट्रिक परीक्षा 2021 में एक और या दो विषयों में फेल विद्यार्थियों को अतिरिक्त ग्रेस अंक देकर पास कर दिया गया था। इस निर्णय से इंटर में 97,474 विद्यार्थी और पास हुए थे और 1,00,000 से अधिक छात्र मैट्रिक के परीक्षा में पास हुए थे। बताते चले कि बिहार बोर्ड ने इस रिजल्ट जारी करने में इतिहास रच दिया था। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के इतिहास में संभवतः यह पहला अवसर था जब वार्षिक माध्यमिक परीक्षा का परीक्षाफल 5 अप्रैल को जारी कर दिया गया। इससे पूर्व 2019 में सीमित द्वारा परीक्षा का परीक्षाफल 6 अप्रैल को जारी किया गया था। कोरोना की वजह से इस बार सबसे पहले रिजल्ट को जारी कर दिया गया था। तो देखा आपने किस तरीके से बिहार सरकार शिक्षा विभाग के तरफ से अल्पसंख्यक छात्रों के लिए जो है ये एक सौगात दी गई है। जितने भी उत्तीर्ण छात्र हैं अल्पसंख्यक में, जितने भी हम आपको बताए थे कि जितने भी मुस्लिम छात्र हैं, जितने भी जैन, ईसाई और भी अन्य धर्म के जो भी छात्र हैं या फिर जो अलग भाषा के जो छात्र छात्राएं हैं, जो बांग्ला भाषा के छात्र छात्राएं हैं, उन सभी को शिक्षा विभाग के तरफ से इस बार मैट्रिक के परीक्षा में पास छात्रों को 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जी हाँ, इसके लिए शिक्षा विभाग ने, जिस तरह से हमने आपको बताया कि शिक्षा विभाग ने 50,11,00,000 रुपए की राशि जारी की है, तो ये कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक छात्र हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है। बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से उन लोगों को 10,000 रुपए दी जाएगी। इस तरह के तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।